हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक फेम में। मेरा नाम है मिख्या शेट्टी और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली अनवील कर दिया विंडोज़ 11 को। विंडोज़ 11 आएगा बहुत सारे नए फीचर्स और चेंजेस के साथ, बट विंडोज़ 10 के कुछ फीचर्स को विंडोज़ 11 के लिए ड्रॉप कर दिया है। कौन कौन से होंगे एग्जैक्टली ये फीचर्स, जानेंगे सब कुछ कहाँ पे, ओनली ऑन टेक फेम। नंबर 1, लाइव टाइल्स। अब कुछ लोगों को लाइव टाइल्स को ज़्यादा ही पसंद है और बहुतों को ये हो या ना हो उसे मैटर नहीं करता, बट इस लाइव टाइल से विंडोज़ की एस्थेटिक बहुत बढ़ जाती थी और इनफैक्ट विंडोज़ 10 का ये सॉर्ट ऑफ एक ट्रेडमार्क भी था। अगर हम कंपेयर करें बाकी जिनके विंडोज़ सिस्टम से, तो लाइव टाइल्स फॉर श्योर विंडोज़ 10 का एक ही हाईलाइट हुआ करता था। और सिर्फ डेस्कटॉप OS का ही नहीं, जब एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट OS या फिर विंडोज़ OS आया था ना, तब भी ये टाइल्स वाले सिस्टम बहुत ही फेमस हो गए थे। उस टाइम पे नोकिया ल्यूमिया वाले डिवाइस थे जो बहुत ही फेमस हुए थे इस डिज़ाइन के लिए। और मुझे पर्टिकुलरली याद है कि जब मैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस को सॉर्ट ऑफ इस विंडोज़ OS वाला लुक देने को ट्राई कर रहा था ना, तब ये जो टाइल्स वाला लेआउट है वो बहुत ही मैटर करता था। तो ये एक मिसिंग फीचर होगा आगे विंडोज़ 11 में। इस लाइव टाइल्स के जाने का एक सिंपल सा रीज़न ये है कि जो स्टार्टअप मेन्यू है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर है, जो स्टार्टअप मेन्यू है, जो स्टार्ट मेन्यू है ना, वो सेंटर से पॉपअप होगा रैदर देन लेफ्ट साइड से। तो ये एक नया चेंज है और इसके लिए लाइव टाइल्स अब सूट नहीं करता, इसलिए जाहिर सी बात है लाइव टाइल्स को हटा दिया गया है। आपके लिए लाइव टाइल्स कितना मैटर करता था ऑन द स्केल ऑफ 0 to 5, जरूर से नीचे कमेंट करके बताना। नंबर 2, कॉर्टाना। हम में से 95% लोगों ने कॉर्टाना को इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ भी नहीं किया है और बचे 5% का आई गेस में भी गलती से क्लिक भी हो गया होगा। बट कॉर्टाना हम कितना यूज हो चुके हैं ना, एक विंडो सिस्टम में एकदम आंखों के सामने देख देख के आदत हो गई है। और टास्क बार में स्पेशली क्योंकि ये पिंड होता है तो फ्रीक्वेंटली हम देखते रहते हैं। अच्छी बात है कि विंडोज़ 11 में हमें कॉर्टाना ना ही जब साइन करेंगे तब पॉपअप होते हुए दिखेगा, और तो टास्क बार में पिन भी नहीं देखने को मिलेगा। बट कॉर्टाना अपने सिस्टम में प्रेजेंट तो होगा, बट एक ऑप्शन है कि आप इसे अनइंस्टॉल कर पाओगे। वैसे अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। क्या हम इस वीडियो में 5 लाख का टारगेट रख सकते, प्लीज़ यार ट्राई करते। नंबर 3, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही ऑफिशियल कर दिया था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर रिटायर हो रहा है, और ये बात बहुत ही सिंपली रिफ्लेक्ट भी कर रहा है इस इन्फॉर्मेशन से कि विंडोज़ 11 में फ्रॉम बूट हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं देखने को मिलेगा, और आगे गोइंग फॉरवर्ड माइक्रोसॉफ्ट अपने एज ब्राउजर के साथ कंटिन्यू करने वाला है। नंबर 4, कुछ यादगार ऐप्स। विंडोज़ 11 में हमें बहुत सारे जो एवरग्रीन ऐप्स हैं ना, वो प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलेंगे। इनमें से कुछ टॉप ऐप्स के नाम हैं पेंट 3D, स्काइप, वन नोट और 3D व्यूअर। क्या आप मिस करोगे पेंट 3D को, जरूर से नीचे कमेंट करके बताना। 3 फीचर्स जो मिस आउट होने वाले विंडोज़ 11 में, जो उतने फेमस तो नहीं थे बट फिर भी वर्थ मेंशनिंग है, टाइमलाइन, टच कीबोर्ड और वॉलेट। ये हमें नहीं देखने को मिलने वाले विंडोज़ 11 में, और हालांकि हमने उतना इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया बट सोचा आपको बता दूँ। अच्छा, इसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट ने रिफ्रेश बटन के साथ भी छेड़छाड़ किया है। सिंपली हम रिफ्रेश करते थे राइट क्लिक करके, सेकेंड ऑप्शन रिफ्रेश पे क्लिक करके, बट अभी विंडोज़ 11 में हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद शो मोर ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, उसके बाद रिफ्रेश करना होगा। क्या पता ये 2 स्टेप वाला मेथड क्यों इंट्रोड्यूस किया है, बट ठीक है, ये भी वर्थ नोटिंग है। अच्छा, जो हमने डिस्कस किए ना ये सब फीचर्स, वो विंडोज़ 11 में ऑफिशियली प्रेजेंट तो नहीं है, बट बहुत सारे मेथड्स इनफैक्ट आ गए हैं और आने वाले भी हैं। इसकी मदद से आप लाइव टाइल्स को या फिर बाकी के मिसिंग फीचर्स को प्ले में ला सकते हो। बट एक सिंपल वार्निंग देना चाहूँगा कि इसके लिए आपको मोस्ट केसेस में अपने सिस्टम रजिस्ट्री को चेंज करना होगा या फिर कुछ ऐसा करना होगा जो आपके सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा और बैड वे में इम्पैक्ट करेगा। तो बहुत ही सावधानी से अगर आपको ये सब फीचर्स को लाना भी है तो बहुत ही सोच समझ के स्टेप्स फॉलो करना, ताकि आपके सिस्टम को हार्म ना हो। 1-2 एवरग्रीन फीचर्स के चक्कर में अपना ऑनगोइंग सिस्टम को ख़राब मत करें ना, ये एक सिंपल प्रिकॉशन में देना चाहूँगा। तो ये थे आपके सामने कुछ मेजर फीचर्स जो विंडोज़ 10 में तो प्रेजेंट थे बट माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 के लिए रिमूव किया है। इनमें से आपको कौन सा फीचर, मिसिंग फीचर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करेगा, जरूर से नीचे कमेंट करिए बताना। मैं इस वीडियो को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ जरूर से उसके बारे में नीचे कमेंट करना ना भूलना। आपका छोटे से छोटा फीडबैक मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो कमेंट करना ना भूलना। और यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, इस वीडियो का फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बताना, मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पर, ऐसे ही लेटेस्ट टेक कनेक्ट जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।